It's not about what you say, but how you say. आपने भी ये सुना होगा. And one of the things that you can improve in how you say is by using appropriate gestures. And इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपके gestures को improve कर सकती है. So stay tuned till the end. You should work on your gestures. अपने gestures को better करो ताकि आपकी communication powerful हो जाए. आपने शायद अक्सर ही सुना होगा बहुत सारे coaches gestures की बात करते हैं, but actually gestures होता क्या है? अगर मैं साधारण या simple भाषा में बोलूँ तो gestures होता है आपके hand, आपके body को use करना ताकि आप आपके audience के दिमाग में एक picture बना सकें. जस्ट लाइक मैंने अभी बोला, एक पिक्चर बना सके अपने हैंड मूवमेंट के साथ. सो दैट इज जेस्टर्स. तो आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके हैंड जेस्टर्स को इम्प्रूव कर सकती है और क्या आपको नहीं करना चाहिए. तो सबसे पहली बात कि आपको नेचुरल होना चाहिए. देर आर जेस्टर्स जो कि बहुत ही नेचुरली आते हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए. एंड मैं इसको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी कॉफ़ी स्टॉप में हैं, आप कहीं बाहर कोई दोस्तों को बात करते हुए देख रहे हैं, तो आप देखोगे कि बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरली हम बहुत ही सारे जेस्टर्स करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे हैंड मूवमेंट करते हैं, विच शोज़ कि हम बहुत ही अच्छे कम्युनिकेटर बाय डिफ़ॉल्ट हैं. इट्स ओनली जब हम लोगों के सामने कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हमारे सामने जब बहुत सारे ऑडियंस हैं, तब हमारे जेस्चर्स चले जाते हैं. तो द बेस्ट वे इज टू बिकम नेचुरल. एंड जितना ही आप नेचुरल होंगे उतना ही आपके जेस्चर्स और इम्प्रूव होंगे. एक और चीज़ है कि मेरे मेंटर कहते हैं क्रेग वैलेंटाइन की, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइम थोड़ा ओवरबोर्ड हो जाओ, ताकि जब आप एक्चुअल स्पीकिंग कर रहे हो तो वो आपका नेचुरल पार्ट बन जाए, नेचुरल हैबिटेट जिसको कहते हैं, नेचुरल बन जाए. सेकेंड चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज स्पीड एंड टाइमिंग. आपके जेस्चर्स जो हैं आपके स्पीड को मैच करने चाहिए. अगर मैं बहुत ही आराम से बोल रहा हूँ बट मेरे जेस्चर्स बहुत ही तेज हैं, देर इज समथिंग आउट ऑफ सिंक. और या फिर मैंने बात अभी बोल दी और मेरे जेस्चर्स अब आ रहे हैं, बाद में आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ सिंक. तो आपकी जो जेस्चर्स की स्पीड है और जो जेस्चर्स की टाइमिंग है, दैट शुड बी ऑन पॉइंट. जस्ट लाइक मैं अभी अपनी उंगली यूज कर रहा हूँ, ऑन पॉइंट. थर्ड फैक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू जेस्चर्स, बहुत टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ भी हाथ इधर उधर करते रहते हैं. दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर. जैसे मेरे अभी हाथ ऐसे हिल रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं मैं क्यों हिला रहा हूँ, बट ये हिल रहे हैं. एंड दैट इज़ नॉट अ गुड वे, बिकॉज यू आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टिंग योर ऑडियंस. आई एम सॉरी इफ आई डिस्ट्रैक्टेड यू. योर जेस्चर शुड एड टू योर मैसेज, इट शुड नॉट बी अ डिस्ट्रैक्शन. एंड क्या होता है कि बाई डिफॉल्ट हमारे अंदर कुछ ऐसे जेस्चर्स होते हैं जिसपे हमें काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट जब हम बोलते हैं तो वही जेस्चर्स बार बार आते रहते हैं. वॉट यू नीड टू फाइंड आउट इज कि आप ऐसे कौन से डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स कर रहे हो एंड हाउ कैन यू वर्क आउट. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. मैं एक रिंग पहनता हूँ दोनों हाथों में, एंड बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जब बातें कर रहा हूँ तो मैं रिंग को एडजस्ट करता रहता हूँ. क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? एंड दैट वॉज समथिंग दैट वॉज मैंशन टू मी बाई मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स. तो जब मुझे कॉन्शियसली पता चल गया, वॉट आई डू इज कि अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, मैं रिंग्स को निकाल के कहीं और रख देता हूँ सेफ जगह पे, एंड तब जाता हूँ. देन आई एम नॉट फिडिटिंग विथ माई रिंग्स. सो इस तरह के आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, दैट विल हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर जेस्चर्स एंड गोइंग अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स. नेक्स्ट चीज है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, दैट इज बाय रिकॉर्डिंग योर सेल्फ. जब आप अपने आप को रिकॉर्ड करके और उसको देखते हैं, एंड समटाइम वॉट यू कैन डू इज जस्ट म्यूट योर ऑडियो एंड जस्ट ऑब्जर्व कि आप जब बोल रहे हो तो किस तरह के हैंड मूवमेंट हो रहे हैं, किस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे हैं, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है. That will help you to observe and then correct accordingly. So, क्या करना है आपको? You have to record yourself and सिर्फ record करके छोड़ना नहीं, you have to watch yourself and maybe mute the audio, then observe कि आप किस तरह की gestures बार बार कर रहे हो. Is that adding to the message or is that removing from the message? Is that a distraction? And then plan accordingly. जो पांचवीं and most important thing is कि learn about something called functional gestures. One of my favorite speaker is David J.P. Phillips और उनका बहुत ही अच्छा TED Talk है इस बारे में, बहुत ही अच्छे speeches हैं और भी बहुत सारे अच्छे speakers हैं. They talk about something called functional gestures. For example, if I say I was talking on phone and I do like this, nobody uses phone like this because that used to be used in 80s and 90s. But if I say I
आई गॉट अ कॉल्ड एंड आई पिक्ड अप फोन. हाय आंचल, व्हाट हैपेंड? नाउ दैट सीम्स नेचुरल. सो योर जेस्चर शुड बी नेचुरल एंड योर फंक्शनल जेस्चर शुड बी एज इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग. अगर मेरे हाथ में फोन होता तो भी मैं ऐसे करता, और अभी नहीं है तो भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ. सो दैट्स अ फ्यू थिंग्स. सो एज आई सेड, आई विल रिपीट, बी नेचुरल इन योर जेस्चर्स. ट्राई टू गो लिटिल बिट ओवर बोर्ड सो दैट कि आप स्टेज पे नेचुरल जेस्चर दो. नंबर टू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका स्पीड और टाइमिंग ऑन पॉइंट होना चाहिए. अगर आपके जेस्चर्स आपकी स्पीड को मैच नहीं करते, या जेस्चर्स आपके स्पीच के बाद आ रहे हैं, आपके बोलने के बाद आ रहे हैं, दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन. नंबर तीन, कि लुक एट योर अननोन डिस्ट्रैक्शंस. कौन से ऐसे डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स आप करते हो और कैसे आप उसको रिमूव कर सकते हो. नेक्स्ट पार्ट इज रिकॉर्ड योर सेल्फ. The best way to know that is by recording yourself and watching it on mute and seeing कि क्या क्या ऐसे points है जो मैं बार बार कर रहा हूँ जिसका कोई मतलब नहीं है. It's not of any use. And last one is learn about functional gestures. अगर आप comment करके लिखो functional gestures, I will make another video about how you can use functional gestures. And until next time, as I say every time, keep learning, keep growing, and keep going out of your comfort zone. This is Coach Haritosh Srivastava. I'll see you in the next video.